सबसे पहले आप सब लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं एसडीपीएस परिवार के, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आमने सामने होते तो बात कुछ और होती, पर लाइव में भी बात कुछ हो रही होगी, चिंता मत करो। आप लोगों ने आज साबित कर दिया कि एसडीपीएस जो कहती है वो करके दिखाती है। और जितने भी भाई बहन, माता पिता समान लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार। और उनके माता पिता के चरणों में नमस्कार, क्योंकि उन्होंने ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया है जहां पर सिर्फ संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां पर गद्दारी नहीं सिखाई जाती, मक्कारी नहीं सिखाई जाती, जहां ईमानदारी सिखाई जाती है। और एसडीपीएस में जो भी फाइटर काम करता है उसको मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो ईमानदार है तो एसडीपीएस में टिकेगा, और बेईमान है तो बाहर चला जाएगा। तो सभी लाखों लोग जो 1000 वेन्यू पे बैठे हैं, आप लोगों ने कमाल किया, एक नया इतिहास लिखा। सब लोग सोच रहे थे कि एसडीपीएस वाले महोत्सव में बड़ा कूदते फांदते, देखो भाई हमारे साथ तो हर साल चैलेंज आता है, पिछले साल राम मंदिर, इस साल कोरोना बाबा। पिछले साल 9 तारीख को राम मंदिर का फैसला आया था, धारा 144 लगती तो कहां से फंक्शन होता। पर फिर हमारा जो बाबा बैठा है ना, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। वो बाबा डमरू हो जाता है और खेल हो जाता है, बाबा डमरू हो जाता है, खेल हो जाता है। आज भी जहां हम सोच रहे थे अगले साल 60,000 लोग बैठेंगे, अरे 1.5 लाख लोग बैठे। दुनिया वालों आंखें खोल कर देख लो, 1.5 लाख लोग बैठे। इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, 6 साल बेमिसाल तक लाने में मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है दोस्तों। मैंने तो सिर्फ सपना देखा था, कुछ लोगों के साथ काफिला जुड़ता गया, आप जैसे अच्छे लोग साथ आते गए। मैं गर्व से कह सकता हूं कि एसडीपीएस का हर एक फाइटर ईमानदार है, जाबाज है, सच्चा है, शूरवीर है। और मेरा एक दिल है, कितनी बार जीतोगे, बार बार जीत लेते हो, और बार बार मैं नतमस्तक हो जाता हूं। छह साल यहां तक पहुंचने का जो सफर है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, आप सबका, एक एक फ्रेशर का योगदान है, हर उस व्यक्ति का योगदान है जो एसडीपीएस को जानता है, जो हमारे बारे में नेगेटिव बात करता है उसका भी योगदान है। कम से कम हमारी कंपनी का नाम तो बताता है किसी। और जो हमारे साथ हैं उनका तो बहुत बड़ा योगदान है, और उस योगदान का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर मामचंद जी को, जो हमारे पीछे मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, अनिल पुरी जी को, जो मार्केट में जाकर लोगों को ट्रेन करते हैं, और कंपनी के फर्स्ट एम्बेसडर मिस्टर महिपाल सिंह जी को, जिन्होंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इतने कम समय में इतने अचीवमेंट लेके, शिव कुमार जी को, रामवीर जी को, अनुज को, अमित दुबे जी को, भंडारी जी को, कुणाल को, मदनलाल जी को, सारे ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड स्टार, सफायर, सफायर, रूबी, टोपाज, एमराल्ड, प्लैटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, हर एक वो व्यक्ति जो एसडीपीएस को जानता है, यहां तक पहुंचाने में उन सबका योगदान है दोस्तों, उन सबका योगदान। 6 साल बेमिसाल कर दिया तुमने कमाल, मच गया डायरेक्ट सेलिंग में धमाल, लोगों के हाथ में पकड़ा दिया आंसू पोंछने के लिए रुमाल। देखिए, मैंने ऐसे बोला था सेकंड शो में, मुझे थोड़ी पता था मैं कोई भगवान तो नहीं। अच्छा, वो बोला भी जोश जोश में था, मुझे नहीं पता लाइव होते कैसे है। मैं सीधी बात बताऊं, मैं तो टेक्निकली बड़ा फेलियर आदमी, बस वो तो मेरे जोश जोश में दूसरी साल का शो चल रहा था, तारकोटरा में, वहां आ गई आवाज अंदर से, मैंने बोल दिया कि ऐसा होगा, पिक्चर हॉल बुक होंगे, हजारों होटल बुक होंगे, दिल्ली में शो चलेगा, लोग लाइव देख रहे होंगे, देख रहे हैं भाई। इसलिए कहता हूं, सच्ची नीयत से, नेक नीयत से, ईमानदारी से, सच्चा
बिना लोगों को ठगे, बिना बेवकूफ बनाए अगर यहां से कोई आवाज की जाएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई जरूर होगी। 100% परमात्मा वो सारी चीजें करता है। अब परमात्मा को कंपनी बढ़ानी थी, ये लाइव शो कराना था, कोरोना बाबे भेज दी। मैंने खूब समझाया बेरोजगार लोगों को, भाई रोजगार डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, बोला रहने तो डायरेक्ट सेलिंग। भाई बीमार आदमी को समझाया आयुर्वेद में रिजल्ट मिलता है, ठीक हो जाएगा, बोला रहने दे आयुर्वेद। अब कोरोना बाबा ने समझाया तो समझ आ गई। अब कोरोना बाबा बोला कि आयुर्वेद यूज करोगे तो कोरोना से बचोगे, और बेरोजगार को बोला डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे, कभी रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ग्रोथ आई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 महीने में, मैं ये नहीं कहता हमारी कंपनी में, तकरीबन लोग जानने लगे, समझने लगे, अब यहाँ प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं। मेरा बेटा अमेठी यूनिवर्सिटी में LLB करता है, तो इसके साथ जितने भी इसके दोस्त पढ़ते हैं वो सब करोड़पति अरबपति के बच्चे। मुझे कल बता रहा पापा मेरी यूनिवर्सिटी में सारे मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। मतलब उनके बेटे तू क्या कर रहा है, ज्वाइन करा तू, दूसरी कंपनी में कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आ गया है, लोग समझने लगे। आप लोग भी समझो कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने इस पैनडेमिक माहौल में वो करके दिखाया, जहां पर लोग एक रुपए के मोहताज हो गए थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले रुपए उड़ा रहे थे, उड़ा रहे थे, उड़ा रहे थे। लोग एक एक रुपया कमाने की सोच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले खर्च कर रहे थे। लोग गाड़ियां बेच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले गाड़ियां खरीद रहे थे। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। तो मजा आ रहा है। yes. मैं ये कहना चाहूंगा, ये 6 साल जो हुए हैं ना, जब एक बैट्समैन बैटिंग करता है तो जब तक छक्का नहीं लगता तब तक ही डरता है। एक रन, दो रन, तीन रन ले लेके धीरे धीरे टाइम निकालता है, पर एक बार छक्का लग जाता है तो दिल खुल जाता है, अब तैयार हो जाओ छक्के पे छक्के, अट्ठे पे अट्ठे, दस्से पे दस्से, बारह पे बारह। यहां तक पहुंचना मुश्किल था, इससे आगे पहुंचना आसान है। कुमार विश्वास जी मेरे कान में बोले, तेरी कंपनी की पोटेंशियल मुझे 1,00,000 करोड़ की लग रही है। 1,00,000 करोड़ की पोटेंशियल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी की एक व्यक्ति विशेष, एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगी, आज वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। दोस्तों कल क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो ऐसी प्रतिष्ठा रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले भी 1,00,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है, और उसमें काम करने वाले 100-100 करोड़, 1,000-1,000 करोड़ के लीडर बन सकते हैं। ये बात मैं हिंदुस्तान के हर प्रतिष्ठित आदमी से कहना चाहता हूं। इस बात एक व्यक्ति बोलने गया, लेकिन तकलीफ सिर्फ जब होती है जब यह लोग आके फेलियर हो जाते हैं, जब बहुत तकलीफ होती है। फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि फेलियर होता कौन है, डायरेक्ट सेलिंग करता कौन है, जिसको रियल जरूरत है। असली बेस ज्वाइन कौन करता है, जिसको नीड है, जिसके परिवार में जरूरत है, जिसके सपने है, जिसके घर में तकलीफ है, प्रॉब्लम है। ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, और जब वो लोग फेल हो जाते हैं ना तो मेरे दिल पे बहुत लगता है, मेरे एकदम से मैं कह रहा हूं, मतलब मैं ब्लेंडर स्ट्रेस में आता हूं कि यार अगर हमारी का बेटा आके यहां फेल हो जाए, किसी करोड़पति का बेटा आके फेल हो जाए समझ में आता है, पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहां फेल हो जाए समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं कामयाब होने का। एक रास्ता जो परमपिता परमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला, और वो अपनी बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों। और ये जब फेलियर आता है ना, ये दिल पे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इस इंडस्ट्री के सिवा हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा मान, हमें पैसा कोई नहीं कमा सकता। तो मैं यहां दिल्ली से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल से मिलती है ये इंडस्ट्री, बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडस्ट्री। हम कोई बीटेक, एमटेक, आईपीएस, आईएएस नहीं है मेरे भाई, हम मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीबों के बच्चे हैं हम। हमने समर साइकिल पे जिया है, हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने नॉर्मल जिंदगी जी है,
अगर हमें ये धंधा मिल गया तो पीछे मत हटना, डटे रहना, मैदान मत छोड़ना, 4 साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना। शॉर्टकट में बताता हूँ, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाइन को हीरो समझना। मैं लिख के दे सकता हूँ, जिस गरीब आदमी ने हाथ एसलीपीएस के हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो उसने बाप की उड़ा दी। मैंने ये कंपनी दिमाग से नहीं बनाई, ना ही मेरा दिमाग चलता। मैंने जितनी बातें बोली दिल से बोली तो सारी सच होती है, दिमाग नहीं लगाया मैंने, मैंने यहां से बनाई है। मैं कंपनी नहीं समझता, ऐसे पूजा करता हूं मैं इसकी। अब सारा हमारा इतना बड़ा श्रोता हरामजादे कुत्ते को बाहर बैठे हाय मार रहे हैं, कल से मुझे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई, सुबह मेरी उंगली पिच गई, मतलब पूरी कोशिश कर ली कि आदमी शो में ना जाए, तुम्हारा फूफा फिर भी आया। जितनी हाय लगानी है लगाओ, जितनी हाय लगानी है लगाओ, सारा दुनिया जीत के दिखाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी ना बना दी संजीव कुमार ने, रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड, वर्ल्ड की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन। अपने पाप की ओर आ रही है बेटा मेरा, अपने पाप की ओर आ रही है, वर्ल्ड की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन, वर्ल्ड की नंबर वन। मालिक को सुनना वो सुन ले, हर्बल लाइफ के मालिक को सुनना सुन ले, साले छक्का बस इसका इंतजार था, बैटिंग चालू हो चुकी है। मुझे नहीं आता लोगों का यूज करना, कड़वा हूं, गालियां तक दे देता हूं लीडर को, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। वो साले उठा के बोलते सर दीप बड़ा मजा आया, हिंदुस्तान का पहला ऐसा एमडी हो कि लीडरों को गाली देता हूँ, फिर बोलते हैं सर बहुत दिन हो गए गाली दूंगा। या अविनाश कला के बोलता है मेरे को सर इस शो को कैसे करूं, मैं बोला आपने गालियां नहीं बकी, गाली बकोगे तो अच्छा शो कर दूंगा। जमान से कड़वा हूं लेकिन यहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुकसान कर दूं, प्रोडक्ट का रेट फालतू में बढ़ा दूं, प्लान में कुछ चेंज कर दूं, लोगों का खा जाऊं, लोगों का हजम कर जाऊं, लोगों के पैसे पी जाऊं, कभी नहीं सोचा। हमेशा ये सोचा मैं ज्यादा कैसे दे सकता हूँ, मैं और ज्यादा क्या कर सकता हूँ। अभी पहला चेक नहीं आता था बिना केवाईसी के, मैंने सोचा पहला चेक जाना चाहिए, एक नया बच्चा को पहला चेक ऑनलाइन केवाईसी में आ जाना चाहिए। फिजिकल केवाईसी आए जाना है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसका पहला चेक नहीं होता, वो हजार रुपए उसे करोड़ों में दिखते हैं। मैंने पहला चेक देना शुरू किया, कौन सा एंट्री देता है, 90% जितने बाजार में बैठे सारे बढ़िया बुद्धि के लोग हैं, 24 घंटे बनियागिरी करते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, इधर से चूस ले, इनका खून निकाल ले, इनका खून चूस ले, इनसे काम करा ले, अपना मुनाफा दे, कंपनी को बड़ी बना। किसने सोचा था कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में? मेरे को एक एग्जाम्पल दो नहीं हमें, क्यों? क्योंकि किसी को समझ नहीं आई इंडस्ट्री क्या है। मैं भी लालची था, झूठ नहीं बोलता, मैं भी इस कंपनी को खोला पैसे कमाने के लिए था, वैसे झूठ नहीं बोला जाता, ये सच्चाई है। लेकिन जब मेरे इस कंपनी में सफर बढ़ता रहा, आगे मैं बढ़ता रहा, लोग कामयाब होते रहे, पैर छूना, प्यार करना, गुरु जी आपकी से जिंदगी गुनाह गले लगता है तो रोने लग जाता है, मेरे पास अगर अचीवमेंट पाते तो इतना प्यारा मैसेज भेजते हैं, सारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा यार ये क्या बन गया तुझसे, लालच लालच में क्या बन गया, लालच लालच में एक मंदिर बन गया। लोग ठीक होते घुमाई देते पैरों में पड़ जाते हैं, अरे गुरुजी मैं ठीक हो गया, मेरे औलाद हो गई, मैं बे औलाद था, मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरे पैर कैंसर में आराम हो गया, मेरी पैरालाइज ठीक हो गई। मैं भी लालची था, मैंने कंपनी बनाई थी पैसा कमाने के लिए, लेकिन लोगों ने मेरा सोच, मेरा दिमाग जो सोचता था वो सब गलत साबित कर दिया कि लोगों ने कहा संजीव सर तुम पैसा कमाने के लिए नहीं, तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो।
कि भाई मेरे पास 100 मजदूर है उनको निकाल दे तो दूसरी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी, हाँ है ना, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। या फिर कौन आता है, कोई बीटेक बेचारा, कोई एमटेक, कोई एमबीए, कोई एमए करके पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बच्चे सुबह से शाम तक घूमते हैं। उन गरीब बच्चों को देखो जिन्होंने बेचारों के आईडी के पैसे बड़ी मुश्किल से दिए, छप्पर घर में पड़ा है, सुबह निकल रहे बाइक लेके झोला धूप में गर्मी में, और साले कंपनी के मालिक अपने लालच के लिए उनका खून चूसते हैं। संजीव कुमार ने नहीं चूसा, इसलिए इनकी आंखों में मैं चुभता हूँ। और बेटा मैंने कहा था अभी तो आईना हूँ, जिस दिन शीशा बन जाऊंगा दुनिया देखेगी। पहले दिन से समझा रहे हैं, जब से कंपनी बोली लिक्विड प्रोडक्ट मत बेच बर्बाद हो जाएगा, हो गया। ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी है, लीकेज है, ये है, फलाना है, ढिमका है। फिर एक मेरा बड़ा अच्छा शुभचिंतक मेरा प्लान होता था कहीं, मैं उसको प्लान समझा रहा, बोला कितने पैसे बचा लेता है। मैंने कहा सर एक आईडी पे 1000 रुपए मुश्किल से बचते हैं, फिर उनमें क्या करता हूँ, फैक्ट्री उसी में बनाता हूँ, स्टाफ की तनख्वाह भी उसी में देता हूँ, डेवलपमेंट। बोला पागल आदमी, एक आईडी पे 3000 से नीचे बचे तो क्या बचे, ये सोच रहे लोगों की। और ये सारे मुझसे कॉम्पिटिशन की बात करते, मुझसे कॉम्पिटिशन करेंगे, इनका बाप का बाप भी मुझसे कॉम्पिटिशन नहीं करेगा। अरे मुझे पाटना आता है, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, मुझे एसएलपीएस में ऐसा नहीं लगता। मैं इतना अपने बच्चों को प्यार नहीं करता जितना अपने एसएलपीएस परिवार को प्यार करता हूं। मैंने 6 साल से ना बीवी देखी ढंग से, ना बच्चों के साथ रहा ढंग से, 6 साल से एसएलपीएस परिवार के साथ 24 घंटे लगा हुआ हूं। मुझे गुस्से इसलिए साले हाय मार रहे हैं, ना साला मुझे कल बुखार था ना जुकाम था, दूर दूर तक खांसी थी, कल दोपहर से चल पता नहीं कहां मंत्र पढ़ रहे हैं बैठ बैठ। कुमार विश्वास जी है बता रहे मुझे, भाई संजीव तेरी कंपनी का नाम आती है मेल, मेल, इतनी मेल आ गई, मत जाओ, ये है वो है, आप यू टाइप कौन हो? कुमार विश्वास जी खुद बता के गए अभी, आप यू टाइप कौन हो, आपके 2.5 करोड़ फॉलोअर है, आपको इन कंपनी के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। बोला मैंने कही भाई संजीव जिसके शत्रु जाना है इसका मतलब आदमी एक नंबर। मैंने देखा है इतनी मेल एक आदमी के लिए, इसका मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है। बोलते जिंदगी बना देंगे, जिंदगी बना देंगे, हम आपकी जिंदगी के साथ हैं, मतलब दिमाग लगाए जा रहे हैं। अब भाई हमने तो प्लान बनाया था अपने दिमाग से, किसी का कॉपी किया था क्या? नहीं। पहले कोई ऐसा प्लान था इस हिंदुस्तान में? हम तो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अपने आरएनडी से बनाते हैं, अपने दिमाग से बनाते हैं, अब कॉपी करने में लग रहे हैं। हाँ? कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपकी जिंदगी के साथ हैं, तुम साले जिंदगी में साथ नहीं हो, मैं तो जाने के बाद भी अपने लोगों के साथ हूं। तुम जीते जी जिनके साथ नहीं हो, मैं तो अपने लोगों के साथ मरते दम तक हूं। अगर वो दुनिया से भी चले जाएंगे तो एक इंसान है जो उनके परिवार का भरण पोषण पालन करेगा, क्योंकि मैंने दौलत को कुछ नहीं माना, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा माना है। मैंने इंसानियत को मोहब्बत दी है, लोगों को मोहब्बत दी है, लोगों के इमोशंस की कदर करी है। आप ये जो नम होती है लोगों की, मैं उसकी कदर करना जानता हूं। मुझे दौलत से इतनी मोहब्बत ना थी, ना है, ना कभी रहेगी। ऐसे होता है। अब हम योजना लाए, बोला योजना चला दी, एसएलपीएस ने हम भी कॉपी कर लेते हैं। कोई फैक्ट्री दुनिया से चला जाएगा तो ये देखे तू तो एक दो कंपनी का खुद दूसरा डायरेक्टर साला 6 महीने उम्र नहीं, मैं भी दूंगा। उनका पट्टे अपने घर का दरवाजा तो देख पहले, चाहे वो तो टूटा हुआ तेरे को, तो बंद ही नहीं हुआ। ऐसे करना चाहिए, इस तरह करते हो मेरे, करो तो दिल से करो। मैं कहता हूं करो मुझे कॉपी, करो मुझे कॉपी, बनाओ ऐसी अच्छी कंपनियां, दो लोगों को अच्छा भविष्य। मैं करूं, मैं तुमसे कॉम्पिटिशन भी नहीं करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, पर दिल से बनाना, दिल से, दिमाग से नहीं, लोगों का खून चूसने के लिए नहीं, लोगों को भगाने के लिए बनाना। मैं इज्जत दूंगा उन लोगों को, बनाओ ऐसी कंपनी। कुछ पुरानी पुरानी कंपनी होगी, हमारे लेवल प्लान में देख के लेवल प्लान ला रही है, कभी कुछ कर रही है, प्रोडक्ट को देख के प्रोडक्ट ला रही है, पुराने हो गए सारे। तो लाला जवानी में इतनी मेहनत करने लेते तो घुटने तो घिसाने पड़ते बुढ़ापे में, नेटवर्क बचाते घूम रहे अपना। एसएलपीएस में लोग जा रहे हैं, एसएलपीएस में लोग जा रहे हैं, एसएलपीएस में लोग जा रहे हैं, हम बुलाने जाते
हमारा संजीव कुमार नाथ ने भी फोन किसी को किया, और मैं आज फिर एक ऐलान करता हूं इस माइक के माध्यम से, बच्चों मत पढ़ो इन कदों के चक्कर में, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। आप सब लोग जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप अच्छी इनकम पा रहे हैं पक्का उसी कंपनी में रहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिस्टर्ब होना, ना डिस्टर्ब करना, ये मेरे नीति में नहीं है, मेरे एथिक्स में नहीं है, मेरी ये वैल्यूज नहीं है। अगर कोई भी आदमी अच्छे पैसे किसी भी कंपनी में कमा रहा है, कोई भी कंपनी हो, आराम से रहे भाई, काम कर, पैसे कमा, गाड़ी खरीद, हमारी बेस्ट विशेष तेरे साथ है। लेकिन अगर तुझे लगता है तेरा इस्तेमाल हो रहा है, तुझे लगता है कि तुझे यूज किया जा रहा है, और तुझे लगता है कि तेरे सालों निकलने के बाद आज फेलियर मेरे हाथ में, तो आप फेलियर मैं बनाऊंगा तुझे अचीवर। उन लोगों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है जो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग जैसा इजी काम ही नहीं है। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कंपनियों की यूएसपी होनी चाहिए। बोलते हो ये तो 6 साल पुरानी है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल पुराने वालों के पास नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है जो मैंने आपको भी एक झलक दिखाई है। इधर से खरीदा इधर बेचा, इधर से खरीदा इधर बेचा, इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं, इसको इधर से खरीदा इधर बेचा, ये डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ये ट्रेडिंग होती है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? अपना रिसर्च का प्रोडक्ट, अपना आरएनडी कराया हुआ प्रोडक्ट, अपने साइंस लगाया हुआ प्रोडक्ट, अपनी योग्यता से बनाया हुआ प्रोडक्ट, योग्यता से वो प्रोडक्ट जब बाजार में जाए तो लोग बोले कि मजा आ गया। अगर एक डायरेक्ट सेलर को एक कंज्यूमर बोलेगा तेरे प्रोडक्ट लेके मजा आ गया, पैसे नहीं सस्ता महंगा, ये सब अकड़म तकड़म, ये जितने भी बाजार में बैठे हैं, इस सब आदमी का दिमाग घुमाने का खेल कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? पैसे नहीं देखता कोई, तो डायबिटीज वाला पैसे देखेगा? हाँ, जिसके घुटने में दर्द है वो पैसे देखेगा? जिसको बच्चा नहीं हुआ 10 साल से 20 साल से बोल रहा है पैसे देखेगा? जिसकी बच्चेदानी की गाड़ी में रसोई हो पैसे देखेगा? पैसे कोई नहीं देखता, रिजल्ट देखता है। यही कहना चाहता हूं उस प्लेटफॉर्म से कि डायरेक्ट सेलिंग होती है कि जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया ना वो डायरेक्ट सेलर ना बने, पर मेरा प्रोडक्ट 10 घर में देख गया है, मजा आ गया भाई स्लीपर्स के प्रोडक्ट में। ये होते हैं डीपर रियल डायरेक्ट सेलिंग। इधर से लिया, किसी से सर्फ ले रहा है, किसी से साबुन ले रहा है, किसी से चट्टी ले रहा है, किसी से बनियान ले रहा है। डायरेक्ट सेलिंग होती है। जो प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो ना और यूज करा रहे हो 3 महीने, टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ये मत सोचना पुराना टेस्ट नहीं मिल रहा। 3 महीने चैलेंज स्टेज से कह रहा हूं, स्टेज से 3 महीने डबल रिजल्ट नहीं बढ़ा दिए, डबल नहीं कर दिए तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं, डबल रिजल्ट नहीं कर दिया, रिजल्ट डबल करूंगा। वो कहते नहीं डायरेक्ट सेलिंग वाले रिजल्ट गिराते हैं, मैं रिजल्ट बढ़ा के दिखाऊंगा। और एहसास करना हो ना तो 3 महीने बाद थंडर ब्लास्ट पी लेना, उस रात में एहसास होगा। स्टाइल है काम करने का, अपना स्टाइल तो यही है। ठोक के कहते हैं, ठोक के करते हैं, आज तक ना पीछे हटे ना कभी पीछे हटेंगे। कौन एमडी लगाता है सारा पैसा कमा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, चले डरे रहते हैं कल कंपनी बंद हो गई, तो शिकायत हो गई, तो केस हो गया, तो फलाना हो गया, तो ढिमका हो गया, ये देखिए औलाद साल से पंगा लेंगे। मैं नहीं करता भाई, कुछ भी हो जाए चाहे, मैंने जनता कमा रखी है, अगर मैंने गलत नहीं किया होगा मेरी जनता रोगों पे होगी, मुझे पता है। yes! अगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो हमने लोग कमाए, लोगों का यूज नहीं किया, मुझे नहीं डर लगता। जितना आता है सारा लगा देता हूँ, 30 करोड़ का एक प्लांट तैयार हो रहा है, फिर फूड सप्लीमेंट का प्लांट तैयार हो रहा है, कह रहे तू फैक्ट्री तो बना ली, तू और बना रहा है, और 4 बनाऊंगा, कुछ बढ़ो
यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा हमारी कंपनी का, बता देता हूँ तुम्हें, बाहर का प्रोडक्ट नहीं लेंगे 99%, 1% में प्रोडक्ट हो सकता है, 99% में बोल रहा हूँ। फैक्ट्रियां लगेगी अपनी, टॉयलेटरी लगेगी लगेगी अपनी, लोग कहते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, मैं लाऊंगा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, लेकिन किसान जब फसल में डालेगा ना तो तुम्हें धुआं देगा और फैक्ट्री होगी अपनी। हर एक फैक्ट्री अपनी होगी, जितने प्रोडक्ट अपन बेचेंगे सब अपन बनाएंगे, सारा पैसा ऐसे वहां लगा दूंगा। नहीं चाहिए कि पैसा आदमी खाली आता था, खाली आ जाता है, नाम लेके जाता है, सम्मान लेके जाता है। संजीव कुमार का एक ही सपना है, दुनिया से जाए 100 साल तक लोग याद करें कि एक शेर का बच्चा सारा हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। क्वांटिटी में क्या करना, कई बार लीडर आकर बोलते सर ये ले आओ, अरे भाई मैं लेके तो 5600 प्रोडक्ट ले आऊ, रोज कोई आ जाता है ये बेचो, नहीं बेच रहा किसी का प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता वो क्या डालता है क्या नहीं डालता, क्या सही है क्या गलत है। आज हमारा रॉ मेटेरियल स्टोर आपने देखा, जाके घूम के आओ, जाके विजिट करके आओ, जो भी बड़े लीडर है देख के हम कैसे चीजें बनाते हैं। मैंने सलाह किसी को नौकरी पे रखा आयुर्वेदिक फैक्ट्री में साइंटिस्ट को, तो मैंने कहा मेरा ये प्रोडक्ट है इसमें केसर डलता है। मजाक कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो, सारा नौकरी भी दे रहा हूँ, ये कह रहा मजाक कर रहे हो, मैं क्यों बोला केसर आज तक मैंने किसी कंपनी को डालते नहीं, देखा 1.5 लाख रुपये किलो है। बोला मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने किसी को केसर डालते नहीं देखा। मैंने कहा बाबा केसर से ऊपर में अगर कुछ होता है वो भी डालते, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट के साथ और अपने लोगों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। सारा सिस्टम तैयार हो रहा है, एक्सपोर्ट यूनिट बन रही है, एक तरह की बेचेंगे बाहर भी बेचेंगे। गोरे लोग इंतजार कर रहे, गोरी मैडम कहां गई, ये गोरी गोरी मैडम, अरे हमें देसी भी विदेशी चाहिए। गोली देती रहेंगी या कभी इनसे पूछो तो सही, यार मेरा जानते नहीं जानते, आज ही क्लियर हो जाएगा बिकेगा नहीं बिकेगा। जैसे वो है ना चप्पल नहीं थी तो क्लियर हो गया, जूते बिकेंगे इनसे गई अपना खोगी ना तो आईडी लगा देते। अभी तो इनसे फूल ही ले रहे हैं ना, थोड़े साल और दो मुझे, क्योंकि जब बाहर जाएंगे ना तो मेरी जो नीति बाहर जाने की है वो नहीं है जो कंपनियां करती है। लंदन में कंपनी रजिस्टर्ड करा के सर्टिफिकेट डाल दो, बांग्लादेश में रजिस्टर्ड करा के सर्टिफिकेट डाल दो, वर्चुअल ऑफिस ले लो, ये इंडस्ट्री सारी चोरों की है। बस सही बता रहा हूँ, बेईमानों की है, हर टाइम दिमाग लगाते रहते हैं लोगों को बेवकूफ बना दो, बस हमारा ऐसा नहीं होगा। हम जब जाएंगे तो उन प्रोडक्टों के साथ, उस ऑथेंटिकेशन के साथ, उन एथिक्स के साथ, उन वैल्यूज के साथ, उन प्रिंसिपल के साथ जाएंगे। मेरा सपना है कि मेरी कंपनी यूएसए में भी चले, यूएसए गवर्नमेंट भी हमारे प्रोडक्ट अप्रूव करे। कुछ ऐसा करना है जिसमें दोस्तों समय लगेगा, पहले हिंदुस्तान को जीतेंगे फिर दुनिया की बारी। तैयार हो? जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन्हें हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, सुबह से बेचारे बैठे हैं भूखे प्यासे, लेकिन देखो ये तो खाने की भूख है, मिट सकती है, दोबारा खाना मिल जाएगा, लेकिन जो जिंदगी हाँ मिलती है ना, एक बार ये जिंदगी जीत लो, पता नहीं कैसा कैसा खाना लोग परोस के देंगे तुम्हारे को, कैसी जिंदगी तुम्हारी होगी। दोस्तों वो कह रहे थे ना, शिव कुमार जी कह रहे थे ना, सेक्रीफाइस, हाँ त्याग करना पड़ता है, बड़ा आदमी बनना तो त्याग करना पड़ता है। जो फिरेगा वो चरेगा, जो फिरेगा वो चरेगा, और जो घर छोड़ेगा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। अच्छा वाकई में आपको लगता है कि हम लोग बिजनेसमैन टाइप लोग हैं? नो, दिल से बताओ लगता है? अपना तब सा नहीं लगता, अपनी कंपनी नहीं लगती। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों की कंपनी होती है मेरे पास, ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि 100 मजदूर निकाल दिए दूसरी फैक्ट्री में चले जाएंगे, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, लाखों लोगों का भविष्य लगा है। मैंने इस कंपनी को पब्लिक कंपनी माना, इसलिए मैं इसे काम करता हूँ। मैं इस कंपनी को कभी अपनी कंपनी मानता ही नहीं, मैं उस कुर्सी पे बैठने पे कभी बहुत ज्यादा खुश होता ही नहीं, क्योंकि कुर्सी पे बैठा है आपने
एमटीसीओ बनाया है आपने, नाम बनाया है आपने, सम्मान बनाया आपने, पहचान बनाई है आपने। मेरे लिए सर्वोपरि मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा पैसा नहीं, आपका परिवार, आपकी दौलत और आप हो और रहोगे ता उम्र। अहमदाबाद वालों से कनेक्ट करो एक बार। हाँ मिले लोगों से थोड़ी देर, मिले इतने सारे लोग हमारे लाइव देख रहे हैं। हाँ जी किसे कनेक्ट कर रहे हो? अमृतसर आप म्यूट करो, अनम्यूट करो आज। अरे वाह क्या बात है अमृतसर वाले, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच। सब लोग फटके चको आज टू अनम्यूट, अनम्यूट करो। ओ क्या बात है गुरु पांड्या जी, चलो आपके वाराणसी जी, जवान आदमी वाराणसी, क्या बात है ओम प्रकाश साहब, क्या हाल है? अरे बुढ़ापे में जवानी से जैसा जोश है आपका, लूट भी हो रहा है। ओके रायपुर, रायपुर क्या बात है रायपुर वालों, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, अरे मजा यार, ये लोग हमारे गेस्ट हैं, हमारा परिवार है। जोधपुर, जोधपुर ये जोधपुर बेस्ट ऑफ गुड़गांव चलते हैं, गुड़गांव क्या हाल है, गुड़गांव कैसे हैं आप लोग?
अरविंद जी मुझे सुन पा रहे गुड़गांव के लोग, गुड़गांव आप सबको बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सिक्कर आ गया, सिक्कर राजस्थान, सिक्कर वाले संदीप जी क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह दिन पूरी रात को भी तरक्की करो, परमात्मा आपको हिम्मत शक्ति चरमा दे इस सच्चाई ईमानदारी ने मेरे के साथ काम करने का। थैंक यू सिक्कर, नागपुर, ए मराठा, ए मराठा, मराठा मरता है, मरता है, क्या बात है नागपुर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्रीकांत जी, प्रणीता जी, प्रदीप धोंडे जी, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, फटते चकते रहो, दिन दुनी रात को भी तरक्की करते रहो, जब मेरी जरूरत हो मुझे फोन करते रहो। और हमारे भाई बच गया पुलिस स्टेशन, इसकी भी कॉपी करो, करो कॉपी, तेल निकल जाएगा। रोहतक, रोहतक कहाँ है, रोहतक तो कहाँ है, रोहतक अभी चला गया ना, अरे वाह पटना वालों, कैसे हो आप, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, ये हिम्मत, ये जज्बा, ये ताकत बनी रहे, दुनिया जितनी आप लोगों को दिखाना है कि गरीब, गरीब पैदा होना हमारी कमजोरी है, लेकिन गरीब पैदा होना हमारी मजबूरी है, लेकिन गरीब मरना हमारी कमजोरी है। और पटना वालों, सरकार किसी की हो, असली पेशकार रात चलेगा। कहाँ है जयवीर सिंह, आगरा, आपने फट्टे चक दिए, कमाल कर दिया, बहुत बड़े रिकॉर्ड आपकी टीम ने बनाए हैं, रियली सुपर हिट रिकॉर्ड है, मजा आ गया आप लोगों के साथ काम करके। हैप्पी बर्थडे जयवीर सिंह जी, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। अरे आसाम के पास अगरतला, अगरतला पांडे जी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग इसी तरह हिम्मत के साथ जुटे रहो, दिन रात लगे रहो, मैदान में टके रहो, मैदान मत छोड़ना, एक न एक दिन तरक्की जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। एसएमपीएस परिवार तुम्हारे साथ है, भगवान की दुआएं आपके साथ है, हमारे आपकी हिम्मत और हमारे हिम्मत मजबूती से लड़ेंगे और दुनिया को जीतेंगे। हिम्मत मत हारना दोस्त, जज्बे से कभी पीछे मत हटना, चाणूनी बनके दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को वो खुशियां, वो सपने पूरे करना जो परिवार आज तक नहीं कर पाया। बहुत मजा आया अगरतला वालों, एक बार और आपको गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। सभी लोगों से मुलाकात होनी जरूरी थी ना, तो मुझे उत्तराखंड का ले आओ, बालाघाट, जयपुर, उत्तराखंड, गाजियाबाद छोड़ दूँ, बालाघाट, और मेरा डिस्ट्रिक्ट तो वैसे मैं छोड़ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बालाघाट, बालाघाट लाइव लाओ, सबको लाइव लाओ, कोई नहीं खाना खाएगा, टेंशन नहीं, लेट होने दे,
आगे सर। अच्छा ये कहाँ से वेन्यू है? खटीमा उत्तराखंड। अरे वाह वाह वाह, खटीमा उत्तराखंड, आप लोगों को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा तेज ग्रोथेबल टीम है खटीमा उत्तराखंड, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी अचीवमेंट पाई। और आपके लीडर मिस्टर भंडारी जी ने आपको जो गाइडलाइन दी है उन पे चल के आज आपको यहाँ तक पहुंचे हो। तो खटीमा उत्तराखंड, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। फटे चक्को चक्को किल्ली लाडो दिल्ली कर दो। ये कहा है शुक्ला जी? बालाघाट। क्या आते हैं अनिरुद्ध, कैसे हैं हमारे बालाघाट वाले मराठा फाइटर? गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, मेरी तरफ से आपको सलाम। भगवान परमात्मा अल्लाह गॉड वाहेगुरु आपने हिम्मत दे शक्ति दे, हम सब मिलकर दुनिया जीते, किसी के घर में बीमारी ना रहे, किसी के घर में बेरोजगारी ना रहे, किसी के भी कोई सपने ऐसे ना रहे जो असली किस्म आने के बाद पूरा ना हो। ऐसे मैदान में टटे रहना बालाघाट वालों, मैदान मत छोड़ना। आपकी लीडरशिप कमाल है, बेमिसाल है, 6 साल बेमिसाल। थैंक यू बालाघाट। भरतपुर शुक्ला जी गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक भरतपुर वालों। अरे ये एक रियासत है जब तुम्हें जो कभी अंग्रेज में गुलाम नहीं कर पाया, काली भक्ति है, काली भक्ति है यार। शुक्ला एंट्री, आप सबको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। भगवान अल्लाह खुदा गॉड वाहेगुरु आपको सलामत रखे, तीन दुनी रात चौनी, आप तरक्की करो, हिम्मत जज्बा बना रहे, कभी ना गिरो, किसी भी हालत में चलते रहो, मैदान में डटे रहो। बस कुछ सालों की बात है जब तुम्हारे सबके पास भगवान ने चाह तो मर्जी जगुआर ओडी बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर जैसी गाड़ियां एसलीपीएस परिवार में लाइन लग जाएगी। एक ऐसा दिन जरूर आएगा। आज हमारे पास 100 के आसपास लग्जरी है, 100 लग्जरी इन 6 ईयर्स। और मैं गारंटी देता हूं, ये भी लिख लेना कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लग्जरी अपने पास होगी और सबसे ज्यादा करोड़पति भी अपने होंगे। और बचा कोई सिग्नल, जयपुर में मेरी बीवी रहती है, बात समझा कर यार। अरे मदनलाल जी कैसे हैं आप? मदनलाल जी नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार। मदनलाल जी आपको आज कंपनी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हमारे जम्मू एंड कश्मीर टीम जो हमारे देश का भी ताज है और कहना कि कंपनी का भी ताज है, आप लोग मदनलाल जी जैसे इनोसेंट और प्यारे लीडर मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखे। मदनलाल जी यू आर द बेस्ट लीडर इन एसलीपीएस में, आप जितने बेस्ट लीडर है उसमें से एक हो, और आप जैसे लोगों के साथ काम करके मजा आ गया। जम्मू वालों हैप्पी बर्थडे टू यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जयपुर
एक अचीवर नहीं जाता और जिसका विजन क्लियर है कि यार अभी नहीं मिली तो 2 साल बाद तरक्की मिलेगी। जब मैं 5 से 12 करोड़ कमा सकते हैं, शिव कुमार 9 करोड़ कमा सकता है, अमित दुबे 5.5 करोड़ कमा सकता है, अनुज कमा सकता है, तो यहाँ बैठा हिंदुस्तान का बेटा हर फाइटर क्यों नहीं कमा सकता? अगर क्यों जानना चाहते हो तो इनसे जानो ये काम कैसे करते हैं। जैसे ये काम करते हैं वैसे काम कर लो, चाहे ये पहुंच गए वह तुम सब पहुंच जाओगे। तो दोस्तों कुछ नए प्रोडक्ट जो नवंबर या दिसंबर एंड तक आ जाएंगे, बहुत यूज के प्रोडक्ट है, आप सबके बहुत काम आएंगे, वो आज कंपनी लॉन्च करने जा रही है और प्रोडक्ट का पिटारा जब हमारी नई यूनिट बन जाएगी। क्योंकि यार देखो तुम लोग ना अच्छा काम बहुत करते हो लेकिन मुझे बड़ी परेशानी हुई, 1 रुपये की सेल भेज रहे हो, 1 रुपये की मान लो ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया 1 करोड़ की सेल हमारी आ रही है तो फिर चुनचुने लग जाएंगे बाजारों में। तो इतना ही बता रहा हूँ, 1 रुपये की भेज रहे हो फिर अचानक 2 रुपये की भेज देते हो, अरे दादा मैंने तैयारी तो 1 रुपये की करी थी, प्रोडक्ट भेजने की रॉ मटेरियल की अचानक 2 रुपये की भेज देते हो, तो मतलब तुम लोगों ने ना हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हिला रखा है। प्रोडक्शन वाला मेरे आगे बोलता है आपके मेरे हाथ में बहुत माल पड़ा है। अभी 29 तारीख की क्लोजिंग हुई, सुबह जाकर फोटो खींच रहे माल सारा खत्म हो गया। ये कमाल आप लोगों का है, कमाल आप लोगों का है, इसी को कहते हैं 6 साल। 6 साल ऐसे ही करते रहेंगे दोस्तों कमाल। तो कुछ प्रोडक्ट्स आज आपके लिए मैं लॉन्च करता हूँ, बाकी ज्यादातर प्रोडक्ट्स मैं अप्रैल के बाद लॉन्च करूंगा, क्योंकि जब हमारी नई यूनिट बन जाएगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो 10 गुना है, इसलिए और ज्यादा प्रोडक्ट हम आगे लॉन्च करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कुछ नए प्रोडक्ट, मानते जी आइए प्लीज। नेपाल सर, अनिल सर, यूजर बनाना है। जब आपका सर्टिफिकेट यूज
करेगा, अपने आप मिडिल क्लास चूज करेगा, अपने आप कैनेडो यूज करेगा, लेकिन ये इसे कहते हैं डोर एंट्री, इजी डोर एंट्री टू एनी होम। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हर घर का दरवाजा खोल सकते हैं, इजीली आप किसी भी घर में घुस सकते हैं। नेक्स्ट, ये सी कंफर्ट रोल ऑन है, खासकर जो लेडीज होती है उनको कोलेस्ट्रॉल में क्रैम्स आ जाते हैं, यहाँ पर बच्चा होता है तो यहाँ पर रेसिस आ जाते हैं, उन सभी रेसिस के लिए सुपर इन प्रोडक्ट है, तमाम लेडीज इस्तेमाल करें इसका और तमाम लेडीज इस्तेमाल कराएं इसका, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। उसके बाद लेमन सा सिलेंडुला नीम, हिंदुस्तान की दुनिया में पहला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट सीट क्लीनर, टॉयलेट पे बैठते हो हर जगह वायरस का खतरा होता है, पता नहीं कैसा कैसा गंदा गंदा सड़ा सड़ा आपको बैठ के जाता है, जाओ पहले थोड़ा मारो। नेक्स्ट, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल वाश, आयुर्वेदिक हर्बल फ्रूट एंड वेजिटेबल वाश, हर फ्रूट और वेजिटेबल को वॉश करके लोग घर में खाएंगे तो हाइजीनिक रहेंगे। ये बनाया है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हिंदुस्तान का पहला प्रोडक्ट। गोल्डन मिल्क पाउडर, अब यार हम लोग इधर उधर सफर करते रहते हैं, भैंस तो साथ में लेके गाय लेके तो चलते नहीं, दूध तो पीना है क्योंकि दूध नहीं पिएगा तो कैल्शियम नहीं आएगा, हड्डी मजबूत नहीं होगी तो थकावट हो जाएगी, फिर जल्दी घर भागेंगे, समझ गए। अब पता नहीं कौन कैसा दूध पिला रहा है, लेकिन मैं ऐसा दूध पिलाऊंगा, ये दूध नहीं होगा तूफान होगा, तूफान। इसको लेके जाओ, गर्म पानी करो, बोलो, इसके अंदर इतनी सारी जड़ी बूटियां होंगी, मतलब दूध का गिलास आता है ना रात को, सुपर हिट दूध होगा, हम लोग कहीं भी जाके दूध को पी सकते हैं, रस्ते में घूमते हुए ट्रेनों में गाड़ियों में मिलाया गर्म पानी में और पी लिया, जहां भैंस का दूध फेल हो जाएगा, बाबा का दूध फेल हो जाएगा, अपना दूध पास हो जाएगा, सुपर हिट रिजल्ट देगा आपको। इसका इंग्रीडियंट देखेंगे तो आपको पता चल ही रहा होगा, हल्दी, शतावरी, दालचीनी, जायफल, सफेद मूसली, शुगर, स्किम मिल्क, सोया एक्सट्रैक्ट, मुलेठी, इलायची, अश्वगंधा और इसमें अभी केसर, मैंने बोल दिया आर्मी टीम को, मजा नहीं आया, मैंने कहा मेरा लीडर जब दूध पिए ना मुझे केसर की महक चाहिए, केसर की, केसर भी बनेगा इसमें, शिला जीत नहीं है वो भी ढलेगी इसमें, बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। और एक चीज और ढलेगी, काम की, बस ठीक है, काम की यार, काम की बोलो सारा तुम गंदे आदमी, काम की बोलो। शहद, शहद की दुनिया की सच्चाई बताता हूँ, ज्यादातर कंपनियां शहद बेचती है, जाके चेक कर लेना। अब हम लोग स्टूडेंट स्टडी चलते हैं, भाग नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए भाई, लेकिन जो चाहिए ईमानदारी से चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट के साथ चाहिए, कचरा बेच के नहीं चाहिए। शहद बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं, ये शहद ऐसे नहीं बना, 2 साल लगे शहद को बनने में, 2 साल पहले कुछ सिस्टम सेट किया गया, किसी किसान से बात करी गई कि भाई तू यहाँ पर ये फूल हुआ, यहाँ पर मधुमक्खियों का कर, फिर तू शहद बना, फिर मैं ये शहद लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बोलते हैं। अब जाके हम शहद में प्रिपेयर हुए, शहद की कहानी बता देता हूँ, कागज पे डालना शहद, कागज गीला, डुप्लीकेट शहद, मिट्टी में डालना शहद, मिट्टी में घोलोगे मिट्टी में घुल जाएगा, डुप्लीकेट शहद, माचिस की तिल्ली डालना शहद में, जलाना नहीं जलेगी, डुप्लीकेट शहद, अपना आएगा ओरिजिनल शहद, 100% ओरिजिनल, ये होगा अपना डेमो प्रोडक्ट, हर सेमिनार में ले जाना, बोला शहद जैसी जिंदगी चाहिए तो हमारे शहद का डेमो देख, माचिस की तिल्ली निकालना, एक डालना तो जले तो मानेंगे कि हमने कुछ बनाया है, और अगर ये नहीं होगा ऐसा तो मैं नहीं लाऊंगा, ये मेरा असूल है, ये मेरी वैल्यूज है, यही मेरा प्रिंसिपल है, अगर प्रोडक्ट में जान नहीं होती मैं प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता, जान होगी तो प्रोडक्ट आएगा और कमजोर होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं आएगा। ये भी हमने आपका आयुर्वेदिक मोबाइल सैनिटाइजर बना दिया, हर समय मोबाइल इसके हाथ में दे दिया, उसके हाथ में दे दिया, पता नहीं कौन कोरोना दे दिया, सैनिटाइजर मारो, मोबाइल हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा जर्म्स और वायरसेस इसमें होते हैं, क्योंकि 24 घंटे कान पे, फिर जेब में, कभी कहीं रख देते, कभी कहीं रख देते, मोबाइल आयुर्वेदिक सैनिटाइजर।
तो 5-7 फुट को रगड़ देना चाहिए, चला देना चाहिए 5-7, मात्र 5-7। इसके बाद जिंदगी जैसी मर्जी हमारी, फिर हमारी लाइफ। आप कुमार को कितने साल में, बादशाह अमित दुबे को कितने साल में, 4 साल, अनुज को कितने साल हुए, 4 साल, अरे 4-4, 5-5, 6-6 साल हुए ना, इतने ज्यादा तो पूरी जिंदगी तो नहीं निकल गई ना डायरेक्ट सेलिंग करते हुए। अरे 6 साल में 60 साल का पैसा कमाना है तो मेहनत भी 60 साल वाली करनी पड़ेगी। भाई जो तपता है ना वही चमकता है, समझ रहे हो। एसलिपियस परिवार, मैं तो यार एक आम आदमी था, फौजी आदमी हूँ, वो भी फौजी सिपाही। आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार को मेरा बहुत नमन है, और जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, रियली मैं खड़ा रहूंगा, आज तक खड़ा रहा हूं। मेरे ऑफिस में आने के लिए किसी के आज तक दरवाजे बंद नहीं है। बहुत दूर दूर से लोग आके बैठ जाते हैं, उन्हें सुबह से आके बताता है सर ये फलाना है, इसका रैंक क्या, बोला फ्रेशर है लेकिन आपसे मिलना चाहता है, तुमने कब मिलूंगा। आज तक मैंने दरवाजा कभी बंद नहीं किया, ना जीवन में करूंगा। आपकी ताकत से मैं हूँ, आप हो तो मैं हूँ, मैं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तुम मुझे हिम्मत दो, तुम मुझे सपने दो, मैं तुम्हें कामयाबी देने का वादा करता हूँ। तुम एक कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम्हारे साथ कभी अहित नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, हमेशा आपको वही एहसास मिलेगा जैसे एक परिवार में एक बाप एक बच्चे को एहसास दिलाता है। एसएलपीएस हमारी माँ, वो बोलते हैं एसएलपीएस माँ माँ करते, कई लीडर बोलते हैं एक कंपनी को माँ नहीं बोलना चाहिए, कंपनी को माँ नहीं बोलना चाहिए, मैं भी कहता हूँ नहीं बोलना चाहिए, पर उन कंपनियों को जब सारी माँ जैसी नहीं उल्टा जैसा बोलने वाली है, उल्टा जैसा। और जो माँ जैसे करती है, जो कंपनी हमेशा अपने लोगों के लिए सोचती है, जिस कंपनी ने पैसा दौलत कभी कुछ रखा ही नहीं, आपको जान के हैरानी होगी, 6 साल मुझे हो गए, 800 करोड़ का टर्नओवर पार हो चुका है। मैं जिस फ्लैट में आज मैंने नया फ्लैट लिया ऐसी बात नहीं है, पर 6 साल से जिसमें रह रहा हूं उसकी कीमत मात्र 45 लाख है। जिस फ्लैट में मेरी बीवी बच्चे रहते हैं वो 45 लाख का है। ऐसा साला एक एमडी ढूंढ के लाओ, मैं धंधा करना छोड़ दूंगा। 800 करोड़ का टर्नओवर कर लिया हो, रोजाना 45 लाख में उसके बीवी बच्चे रहते हो, इसलिए नहीं मैं खरीद सकता था, पहले साल ही खरीद सकता था, लेकिन नहीं, मैंने डेवलपमेंट कंपनी, डेवलपमेंट विजन पूछते हैं ना लोग, विजन पूछते हैं ना, घूम के आ जाए आपको विजन दिखेगा, और एक साल बाद घूम के आना और विजन दिखेगा। अरे विजन उसी के पास होता है जो तुमसे कमाया हुआ अगर तुम्हारे लिए लगा रहा है, तो उससे स्ट्रॉन्ग विजन किसी लीडर किसी एमडी का नहीं हो सकता। जो तुमसे कमा के तुम्हारे लिए लगा रहा है, उससे स्ट्रॉन्ग विजन किसी का नहीं हो सकता। मेरा विजन पूछते हैं ना, मैं बताता हूँ विजन। कुमार विश्वास जी ने थोड़ा आगे बढ़ा दिया 1 लाख करोड़, मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरी कैलकुलेशन में अभी नहीं आया है, पर मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान से वादा करता हूँ, 21,000 करोड़ रुपए का मेरा विजन है कि टर्नओवर मैं करके मानूंगा। 21,000 करोड़ होगी ना, हम तो नहीं होगी दोस्तों। लोग कहते हैं परिवार बोलता है, परिवार की तरह सोचता भी है, कुछ लोग अच्छे लोग नहीं कहते हैं, परिवार ही मानता है, हमेशा हर आदमी की मदद करता है, चलो जो भी है। बाकी अभी दिवाली आ रही है, आया ना, 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, दिवाली बहुत आई, दिवाली बहुत गई, किसी कंपनी ने सोचा दिवाली को अपने लोगों को कुछ दे दे है? जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉई काम करते हैं, एम्प्लॉई जब मेरे यहाँ था किसी का एक मिठाई का डिब्बा सबको देते नहीं देते, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं पटना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नहीं दे सकती क्या, ये लोग हमारे नहीं है, हाँ ये तो एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा है। आज एसएलपीएस वेलनेस ऐलान करती है हर दिवाली को, इस हफ्ते जितने भी लोगों के चेक बनेंगे, जिसका चेक नहीं बनेगा उसे मिठाई भी तुम काम लेंगे। इस हफ्ते जितने भी लोगों के चेक बनेंगे, जो क्लोजिंग आ रही है बृहस्पति की बुधवार की, जितने भी लोगों के चेक बनेंगे, चेक बनते हर कंपनी में 50,000, 20,000, 30,000, जितने भी लोगों के बने, अगर 1 लाख लोगों के भी बनेंगे, 500 रुपए प्लस होके चेक में आएंगे, वो मिठाई का डब्बा सब्जी
ऐसे धुआंधार बनेगी। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। एक बार सर बोलते थे कुछ बातें तो मैं बताता नहीं, अचानक ही बोल देता। सोचा बहुत कुछ है, बस आप लोग ऐसे प्यार मोहब्बत सम्मान बनाए रखना दोस्तों। आप आगे बढ़ते रहना, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ हमेशा पूरी जिंदगी, जब तक मेरे जिस्म में जान है एक भी सांस है मैं आपके लिए जान लड़ा दूंगा। कुछ भी हो जाए आपको कभी रुकने नहीं दूंगा, आपका कभी बुरा नहीं होने दूंगा। जिस दिन आपका बुरा होगा सबसे पहले बुरा मेरा होगा, आपका उससे पहले कभी नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दिवाली आप सबको, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी गोवर्धन पूजा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। केक कटिंग सेरेमनी मैं चाहूंगा जितने भी हमारे लाइव वेन्यू है, जितने भी लोग लाइव है सभी अपना अपना केक निकाल दें, सभी केक कटिंग सेरेमनी करेंगे अभी हम सभी लोग, जितने भी वेन्यू है सभी लोग अपना अपना केक निकाल लें। और एक हैप्पी बर्थडे का गाना अविनाश जी आप प्ले कर दो। थैंक यू भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उम्मीदों के आसमान पे उसने पहुंचाया सबको, अपने बदल उत्पादों से स्वस्थ बनाया सबको। उम्मीदों के आसमान पे उसने पहुंचाया सबको, अपने बदल उत्पादों से स्वस्थ बनाया सबको। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर उत्पादों से स्वस्थ बनाया सबको।
किसी बुलाया।